औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद तो बनवाई, लेकिन नाम तो संस्कृत वाला ही रह गया, ज्ञानवापी। धरती पर कहीं भी मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं है, तब संस्कृत नाम ज्ञानवापी को मस्जिद कैसे मान सकते हैं? ये मंदिर है और इसके ऐतिहासिक तथ्य उन किताबों में भी हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांता अपनी कट्टरता और बहादुरी दिखाने के लिए खुद दर्ज भी कराते थे। सन 1194 से प्रयास करते करते आखिरकार सन 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया और हर प्रयास, हर आक्रमण और मुस्लिम आक्रांताओं की हर कथित उपलब्धि इतिहास की किताबों में दर्ज है। यहाँ तक कि मसीरे आलमगीरी में औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकिद मुस्तैक खान ने आंखों देखी लिखी है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। हिंदुओं का प्रसिद्ध धर्म स्थल काशी मुस्लिम आक्रांताओं के हमेशा निशाने पर रहा। 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर को तोड़ा भी था, लेकिन फिर काशी वालों ने खुद ही उसका जीर्णोद्धार कर लिया। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया। करीब 150 साल बाद 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर के समय उसे दोबारा बनवा दिया। 1632 में शाहजहां ने भी मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण वह असफल रहा। उसकी सेना ने काशी के अन्य 63 मंदिरों को जरूर तहस नहस कर दिया। औरंगजेब ने अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी का मंदिर तोड़ ढहने भेजा। सितंबर 1669 को अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिखा, मंदिर को तोड़ दिया गया है और उस पर मस्जिद बना दी गई है। औरंगजेब ने काशी का नाम औरंगाबाद भी कर दिया था। कथित ज्ञानवापी मस्जिद उसी के समय की देन है। मंदिर को जल्दी जल्दी में तोड़ने के क्रम में उसी के गुंबद को मस्जिद के गुंबद जैसा बना दिया गया। नंदी वहीं रह गए। शिव के अर्घे और शिवलिंग भी आक्रांता नहीं तोड़ सके। 1752 में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति का प्रयास किया, लेकिन हल नहीं निकला। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रयास किया तो उनकी लड़ाई को दंगे का नाम दे दिया गया। इसके अलावा दो और चीजें स्थापित तथ्य हैं, जैसे पहला ये कि नंदी महाराज का मुख किसी भी शिवालय में शिवलिंग की ओर रहता है, दूसरा ये कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं और मस्जिदों पर चित्रकारी करना जायज नहीं है। अब देखिए कि नंदी महाराज का मुंह उसी ओर है जिस ओर अभी यह कथित ज्ञानवापी मस्जिद है। इस कथित मस्जिद पर श्रृंगार, गौरी, हनुमान जी समेत तमाम देवी देवताओं के चित्र हैं। इसके तहखाने में अब भी कई शिवलिंग हैं जिन्हें आक्रांता तोड़ डह नहीं सके। रंग रोगन से कई अवशेष मिटाए गए, लेकिन वह उभर सकते हैं। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि विवादित स्थल या जहां मूर्ति पूजा हो वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान सिर्फ जिद में आकर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पर कब्जा करने के लिए नमाज पढ़कर अपने ही धर्म का अपमान कर रहे। विश्वनाथ मंदिर के पश्चिम में श्रृंगार मंडप है, यही ढांचे के पश्चिम में है। काशी खंड स्कंद महापुराण का एक खंड जिसमें काशी का परिचय, महात्म्य तथा उसके आधिदैविक स्वरूप का विशद वर्णन है। उसमें एक श्लोक है, देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी शुभोदका। इसका मतलब वापी के उत्तर दिशा में भगवान विश्वेश्वर विराजमान है। वर्तमान में भूगोल के अनुसार इस स्थान पर ही अभी मस्जिद है। शिव रहस्य के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व में ज्ञान मंडप, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उत्तर में ऐश्वर्य मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप है। वर्तमान में श्रृंगार मंडप के पास श्रृंगार गौरी थी, जो वर्तमान में भी ढांचे के पश्चिम द्वार पर दिखाई दे रही है। शिव रहस्य के सप्तम अंक में एक श्लोक है, प्रसादो एसपी सुरत नाढ्यो लिंगाकारो विराजते तन्मूलम अग्रभागो वान केनापि च दृश्यते प्रसाद दिव्य रत्नानि रात्रौ दीप इवाम्बिके तिष्ठन्त्यत्यंत रम्याणि नेत्रोत्सव कराणि च सहस्रम रत्न श्रृंगाणाम राजते तत्र सर्वदा लिंगाकाराणि श्रृंगाणि शुद्धान्य प्रतिमाणि च। इसका मतलब यह मंदिर समस्त रत्नों से युक्त और लिंगाकार में था। इस मंदिर का मूल और शिखर जल्दी दिखाई नहीं दे पाता था क्योंकि यह बहुत ऊंचा था। इसमें दिव्य रत्न रखे हुए थे
जो रात में प्रकाश करते थे। हजारों रत्नों के लिंगाकार शिखर दिखाई देते थे। हालांकि धर्मशास्त्रों में लिखा है कि औरंगजेब के समकालीन ने किताब में भी लिखा है कि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद 1710 में मुस्तैक खां की मसीरे आलमगीरी आई, जिसमें लिखा है औरंगजेब के आदेश पर आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा गया। इसके अलावा बनारस गजेटियर में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात लिखी है। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए कैसे विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद को लेकर 213 साल पहले हुए दंगे और क्यों साल 1991 में दाखिल हुई पहली याचिका। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड नई वीडियो अलर्ट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।